आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कद जो है वो बच्चों का छोटा रह जाता है, तो उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? जेनेटिकली भी इसका कोई इम्पैक्ट होता है या वैसे? सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हमारे पास सबसे मेन जो फैक्टर है या सबसे मेन जो वजह देखा जाए तो वो हमारे पास जेनेटिक्स, मतलब कुछ एडवर्टाइजमेंट पे क्लेम्स करते हैं कि हमारे पास ये शूज़ ले जाएँ और आपका कद बढ़ जाएगा, माँ बाप को कहते हैं कि आप ले जाएँ। देखिए ऐसा कुछ आप स्कीपिंग कर सकते हैं जिसको हम रस्सी कूदना कहते हैं, आप बास्केटबॉल की कर सकते हैं, ऐसी तमाम है। खुराक के फायदे तो हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ग्रो के लिए उसको मिल्क चाहिए, प्रोटीन डाइट चाहिए, एग चाहिए उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम अली शाह फाउंडेशन के हेल्थ सेगमेंट में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ए आर मडा। नाज़रीन आज हम बात करेंगे वो बच्चे जिनका कद नहीं बढ़ता या 16 से 18 साल की उम्र में एक नॉर्मल अपनी हाइट नहीं गेन कर पाते, तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं डॉक्टर ज़ीशान अरशद चौधरी जिन्होंने मास्टर किया हुआ है पीड्स में और अपना एक क्लिनिक रन कर रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कद जो है वो बच्चों का छोटा रह जाता है, तो उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? जेनेटिकली भी इसका कोई इम्पैक्ट होता है या वैसे ही? डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं बताता चलूँ, लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है कि कद क्यों बड़ा होता है या क्यों छोटा रह जाता है। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हमारे पास सबसे मेन जो फैक्टर है या सबसे मेन जो वजह देखा जाए तो वो हमारे पास जेनेटिक्स, मतलब वालदैन या ख़ानदान में कितना कद आप लोगों का बड़ा है, मतलब जेनेटिक्स इसकी मेन वजूहत में। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंडफादर्स जो कि उनकी हाइट अगर बड़ी है तो बच्चे की हाइट बढ़ने के चांसेस 90% ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर वो माँ बाप जिनके कद छोटे हैं और उनके वालदैन के भी कद छोटे हैं जिसको जीन्स बोलते हैं, वहाँ से अगर उनके कद छोटे हैं तो बच्चों में कद की तवक्को जो होती है वो नहीं होती जो कि दूसरे पेरेंट्स की होती है। तो जेनेटिक्स को सबसे मेन वजह है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी वजूहत हैं, जैसा कि हमारे पास खुराक में हमारे पास बच्चे की जो डाइट है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी डाइट क्या ले रहा है बच्चा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारे पास बच्चे का सोना, मतलब स्लीप जो है ये एक बच्चे की मेजर फैक्टर में से एक है कि जब इंसान सोता है या बच्चा कोई सोता है तो उसके ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं ना वो सोने में 70% ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं एज़ कम्पेयर्ड जब वो वर्किंग में होता है। तो सोना 8 से 10 घंटे सोना बच्चे के लिए लाजमी है अगर आप उसकी अच्छी हाइट चाहते हैं तो ये एक अच्छा फैक्टर में से इंक्लूड किया जाता है। मतलब बच्चे के लिए 8 से 10 घंटे रिकमेंडेड जो स्लीपिंग टाइम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये बताइएगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी लटकना चाहिए, लटकने से भी जो है ना वो कद बढ़ता है, तो उसके पीछे क्या हकीकत? अच्छा डॉक्टर साहब आपने ये जो सवाल किया है ये बहुत अच्छा सवाल है और इस पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो मैं बताता चलूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हड्डी की खासियत बता दूँ, हड्डी की एक थोड़ी एनाटॉमी बता दूँ, हड्डी होती क्या है, इसने कैसे बिहेव करना होता है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बॉडी के कोई हड्डी को देख लें, अगर हम अपने पट जिसमें फीमर की हड्डी देख लें, इसकी हड्डी अगर देखें तो लॉन्ग है, तो इनकी दो एंड्स के ऊपर ना ग्रोइंग प्लेट्स होती हैं, ठीक है, एंड ऑफ दी बोन दो ग्रोइंग प्लेट्स होती हैं। ये जब तब तक बढ़ती हैं जब तक इनकी ऑसिफिकेशन नहीं होती। अब ऑसिफिकेशन क्या है? हड्डी का जुड़ जाना, और ये 18 साल तक ग्रोइंग करती है। जब एक दफ़ा ये जुड़ जाती है तो ये लॉन्गिट्यूडनल बढ़ना रुक जाएगी। उसके बाद 18 से 20 साल डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट रेशियोज़ के ऊपर ये बढ़ना रुक जाती है, लेकिन ग्रोइंग साइज जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रुक जाता है और चौड़ाई में बढ़ना कहीं तक अमल में जा जाता है। नॉर्मल रेंज है किस एज में, ये किस एज तक? 16 से 18 साल तक नॉर्मली बच्चे की कद की रेशो बढ़ती रहती है। और इसमें अगर हम देखा जाए तो हड्डी का एक ऐसा बिहेव जो कि मैं आपको बताता चलूँ, ऐसी एक्सरसाइज या ऐसी मूवमेंट्स या ऐसा हड्डी के ऊपर जितना प्रेशर या वजन आएगा वो उतनी लॉन्गिट्यूडनल बढ़ेगी, ठीक है। अब आपका सवाल मेरे पास था कि आप कद लटकने से कद बढ़ता है। देखिए लटकने से कद बढ़ता है और सबसे पहले ये जो हमारे पास है मोंकीज बंदर इनका हाइट सबसे बड़ी हो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लटकने के अपने फायदियत है, एंटी ग्रेविटी मसल डिवेलप होते हैं और डिफरेंट मसल जो है उन पर अच्छा इसका इफेक्ट है, लेकिन जो लटकने वाली बात है इसके ऊपर कोई साइंटिफिकली कोई प्रूफ चीज़ नहीं मिली अभी तक, इसलिए जो लटकने वाली बात है इसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे। इसके लिए मैं कुछ आपको आगे जाकर कुछ एक्सरसाइज गाइड करूँगा वो इसके ज़्यादा बेनिफिशियल। अच्छा डॉक्टर ये बताइएगा, बहुत सारे लोग जो ऑर्थोटिक्स यूज़ करते हैं जिसमें फुट्स शूज़ होते हैं, बहुत सारी कंपनीज ये क्लेम कर रही होते हैं कि हमारा जो शूज़ यूज़ करें और आपका जो हाइट वो बढ़ेगी, तो वो कितना फ़ायदेमंद है, क्या वाकई उससे हाइट बढ़ती है बच्चे? डॉक्टर साहब आपने ये भी सवाल बहुत अच्छा किया है,
देखा जाए तो आपने इनडायरेक्टली ये बोला गया कि कुछ एडवर्टाइजमेंट पे क्लेम्स करते हैं कि हमारे पास ये शूज़ ले जाएं और आपका कद बढ़ जाएगा, माँ बाप को कहते हैं कि आप ले जाएं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हो तो मैंने आपको बताया है हड्डी की खासियत है, हड्डी ने तब बढ़ना है जब उसके ऊपर वज़न पड़ेगा। वज़न का मतलब ये नहीं कि बच्चे को वज़न ऊपर उठा कर ले जाए ना, उसके ऊपर प्रेशर आएगा। जैसे उसके ऊपर प्रेशर आएगा हड्डी के ऊपर, ही हड्डी उसके ऊपर प्रेशर आएगा, वो लॉन्गिट्यूड बढ़ेगी। मैंने बताया बीच में ग्रोइंग प्लेट्स हैं पहले, जैसे आपको बताया वो उतनी बढ़ेगी। तो ये जो क्लेम्स हैं ये सब क्वैक्स हैं, इसके ऊपर कोई ऐसा लॉजिकल चीज़ नहीं है। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आप ये क्या रिकमेंड करेंगे कि व्हाट वुड द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द पेशेंट के जिनकी हाइट कम है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि ऐसी एक्सरसाइज जिससे वज़न बढ़े। अब इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है मैं आपको गाइड करता हूँ। आप स्कीपिंग कर सकते हैं जिसको हम रस्सी कूदना कहते हैं, आप बास्केटबॉल यूज कर सकते हैं, ऐसी तमाम एक्सरसाइज जिसके ऊपर बच्चे का रनिंग, ऐसी रनिंग जिसमें बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़े और जॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर प्रेशर आए और वो ग्रो करें, ऐसी एक्सरसाइज जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे प्रेशर पड़े वो एक्सरसाइज गुड फॉर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ग्रोथ इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, तो क्या वाकई उससे फ़ायदा होता है, वेट गेन मतलब हाइट गेन होती है उससे? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की है ग्रोथ इंजेक्शन की, एक्चुअली ग्रोथ इंजेक्शन ये क्वैक्स बैठे होते हैं, ये रिकमेंड करते हैं कि आप ग्रोथ इंजेक्शन लगा लें, ये करा लें, वो करा लें। इसमें अब तक कोई साइंटिफिकली कोई चीज़ अप्रूव नहीं है। डेफिशिएंसीज हों तो किसी हद तक ये काम कर जाता है, लेकिन डेफिशिएंसीज नहीं हो तो डेफिशिएंसीज हम प्रोटीन डाइट से अच्छी कर सकते हैं। जो आप ये बात कह रहे हैं कि ये इंजेक्शन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स में हमारी नाक की हड्डी बढ़ जाती है, मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं और उन लोगों में इतने मसले बढ़ जाते हैं जिनको क्रॉनिक बीमारीज होती हैं बच्चों में, जैसे गला का टॉन्सल्स होते हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इसको रिलीफ देने से, इसको हाइट बड़ा करने से। इसके पीछे कोई ऐसी लॉजिकल चीज़ नहीं है। ठीक है, आपने बात की फूड की, तो खुराक कितना अहम किरदार अदा करती है किसी इंडिविजुअल की हाइट में? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखा जाए तो आजकल जो बच्चे हैं उनमें दो चीज़ें बहुत मेन है, खुराक और स्लीप। मैंने जैसे आपको बताया था कि स्लीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खुराक की फादियत हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे ने ग्रो करना है, ग्रो के लिए उसको मिल्क चाहिए, प्रोटीन डाइट चाहिए, एग चाहिए, उसको मीट चाहिए। उसकी डाइट को अगर मैनेज कर लिया जाए, उसको डाइट को प्रॉपर कर लिया जाए तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और मैं सजेस्ट करूँगा उन पेरेंट्स को बच्चों को दूध देना शुरू करें और रात को टाइम पे उनको सुलाना शुरू करें, और इसके साथ साथ इनको मतलब अपने इनकी पॉइंट ऑफ व्यू में ये कि इनकी एक पैटर्न ऑफ लाइफ और जो इनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है ना उनको मैनेज करें। तो ये बच्चे की हाइट, अगर पेरेंट्स छोटे भी हैं, इन चंद चीज़ें करने से बच्चे की एक नॉर्मल हाइट अप गेन कर सकते हैं। नंबर वन, जैसे मैंने आपको इसको मैं थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ। तो एक तो हमने सबसे पहले बात की जीन्स, फॉर एग्जाम्पल जीन्स जो है मेजर फैक्टर है। फूड डाइट को हमने इग्नोर नहीं करना। नंबर थ्री एक्सरसाइजेस, ऐसी एक्सरसाइज जिसके ऊपर वजन पड़े बच्चे की, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्केपिंग एक्सेट्रा। और आगे हमारे पास आ जाता है इन क्वैक्स से बचें, अपने बच्चों को क्वैक्स से बचाएं, ग्रोथ इंजेक्शन से बचाएं, ऐसी चीज़ों से बचाएं। लटकना की अफादियत अपनी जगह है, लेकिन उसको हम इस तरह नहीं ले सकते कि बच्चा लटक रहा है उसी को कंसिडर करके आप सोचें कि इसकी हाइट बढ़ जाए। तो ऐसे पॉइंट ऑफ इसको आप फॉलो करके बच्चे की हाइट अच्छी गेन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती अराज़ी आगाह किया। नाज़रीन आज का शो अपने अख्ताम को पहुँचा, उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर AR मर्डा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।